अभी मैं कैंसर के ऊपर कुछ बोलना चाह रहे हैं अपने, तो थोड़ा सा बोल देते हैं फिर उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। मेरा सब तो बाद में कभी हम फिर से लेंगे तो उसी पूरा लिया जाएगा। धन्यवाद आप लोगों का। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। आई हैव ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माय, आई एम वॉलंटियरिंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड साईशा। दिस इज एफिलिएटेड टू निटेड नॉकर्स वर्ल्ड वाइड। हमारे यहाँ कुछ महिलाएं हैं जिनको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का पीड़ित है, बच्चे हैं जिनको ल्यूकेमिया है, तो ये जो पेशेंट्स रहते हैं उनका तो कॉन्फिडेंस बोलिए या लाइफ जीने का मकसद बोलिए कुछ भी नहीं रहता है। दे आर वेरी वेरी लो डाउन इन लाइफ। इनके लिए हम काम करते हैं। कुछ महिलाएं जो लाइक फ्री टाइम में अपने अपने खर्चे पे वो नौकर्स बनाते हैं, दे आर ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस, जो सप्लीमेंट इम्प्लांट जैसे होते हैं बट कॉटन कह लेते हैं, अपने क्लाइमेट में सूट होने वाले कैंसर सर्जरी के बाद, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद, ब्रेस्ट रिमूवल के बाद, वो नॉर्मली जैसे ब्रा में पहनते हैं वैसे इम्प्लांट्स रहते हैं और दे आर वॉशेबल एंड दे आर अवेलेबल फ्री। उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। जो पीड़ित महिला है या पीड़ित बच्चे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मेल लिख के अपना प्रॉब्लम क्या है बता सकते हैं और उनको फ्री जैसे जैसे उनकी ज़रूरत है वैसे साइज के हिसाब से वगैरह हम लोग उनको वो प्रोवाइड करते हैं, जो कॉन्फिडेंस और होप बढ़ाते हैं महिलाओं में, कैंसर पीड़ित महिलाओं में। एंड इसके लिए किसी से कुछ पैसे नहीं लेते हैं और या फिर डोनेशन भी नहीं लेते हैं। हमारे वॉलंटियर्स अपने आप अपने खर्चे से जो यार्न नीटिंग करते हैं, जो थ्रेड मिलता है यार्न, वो खुद खरीदते हैं और फ्री टाइम में वो नौकर्स बनाते हैं। वो एक लेडी है जयश्री, वो मालाड में रहती है, वो सब इकट्ठा उन पर बेचते हैं, वो उनको सैनिटाइज वगैरह करके फिर अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग आउट करके सब महिला को ये फ्री में बेच देते हैं। तो अगर आपके पहचान में खुदा ना करे कि किसी को ये बला हो, कैंसर हो, बट इन केस यू हैव समबडी हुम यू नो और हुम यू आर हर्ड ऑफ कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, बच्चों को ल्यूकेमिया हुआ है, उनके बाल झड़ जाते हैं पूरे, तो वो कैप बीनी बोलते हैं उसको, तो क्रोशे किए हुए कैप्स मिलते हैं और बीनीस पहनाते हैं उनको, वो भी फ्री देते हैं और लेडीज़ के लिए ब्रेस्ट प्रोसेसिस फ्री देती हैं। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, किसको अगर किसका पहचान हो में कोई है अगर अनफॉर्चुनेटली, तो प्लीज़ उनको ये फॉरवर्ड कीजिए और उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर दीजिए। और इसमें एक पैसा नहीं लगेगा दो पेशेंट का, एज इट इज ट्रीटमेंट में उनका पूरा जो सेविंग्स रहता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन और दूसरी बात क्या है, जो एक्सपेंसिव प्रोसेसेस मिलते हैं जो सिलिकॉन के वगैरह रहते हैं वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड हमारे क्लाइमेट में, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में वो इट्स वेरी बहुत इरिटेशन होता है लेडीज़ को। एक तो वहाँ सर्जरी हुई रहती है और उसके ऊपर वो अगर सिलिकॉन का पहने दिन भर तो कितना बुरा फीलिंग होता है उनको। तो ये कॉटन के रहते हैं, प्योर कॉटन के, एंड दे आर दे कैन बी वॉश, मशीन वॉश, हैंड वॉश, कैसे भी करके आप दे कैन बी वर्न बाय वुमन। तो प्लीज़ अगर किसका भी है तो उनको ये फॉरवर्ड कीजिए, हमको कॉन्टैक्ट कर दीजिए। चलिए अभी समाप्ति करते हैं हम लोग सब, आप लोगों का धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि सब लोग एक बार यहाँ आ जाएं तो हम एक कंबाइन फोटो खींच सकते हैं।